पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, मेरा नाम आजाद है, मैं लालज जी। यार भाई, जैसा कि कल होली पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होने वाली है और आप लोगों को हमारी तरफ से एडवांस में हैप्पी होली और मेरी तरफ से यार वही ना। और अब दुनिया के अंदर तैयारियां हो गई हैं होली की शुरू, जिसको देख 56 इस्लामिक देशों को मिर्गी के दौरे पड़ गए। होली भी एक नेक्स्ट लेवल चीज है यार, कसम से मैं कहता हूं हमारी दुनिया में मनाई जाती है यार। मैं कहता हूं कि हमारी ईद में इतना मजा नहीं होता जितना होली में होता। ये बात भाई साहब, ये मैं डंकी की चोट पे बोलूंगा ये बात। अगर कोई बोलता है कि नहीं तू गलत बोल रहा है, तो मैं बोलता हूं प्रूव मैं देता हूं। वो इतना एंजॉय करते हैं, तो पड़ ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हम सभी को पता है कि इस्लाम में होली खेलना नाजायज है, रंगों का इस्तेमाल हराम माना जाता है। वो कहते हैं कि अपने अपने धर्म के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग त्योहार और पर्व होते हैं। होली हिंदुओं का त्योहार है और मुसलमानों को इस्लाम होली खेलने की इजाजत नहीं देता, इसलिए गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों और परंपराओं को अपनाने के लिए सख्ती से मना करते हैं। मुसलमानों का होली खेलना या होली में किसी तरीके से भाग लेना नाजायज है, हराम है। इस्लाम में होली खेलना हराम है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर के ऐसे कई इस्लामिक देश हैं जहां पर बड़े धूमधाम से होली मनाई जाती है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये खबर आपको चौंका देगी। जी हां, पाकिस्तान से फिजी तक भारत के अलावा इन देशों में भी मनाते हैं होली का त्योहार। होली का त्योहार भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बाजारों में आपको रौनकें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही लोग अपने अपने घर में होली की तैयारियां भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि होली की जितनी रौनक भारत में होती है, उतनी ही कुछ और देशों में भी देखी जा सकती है। होली का त्योहार हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे के गिले शिकवे भुलाकर होली के रंगों में रंग जाते हैं। होली की धूम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी नजर आती है। विदेशों में लोग होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वहीं इसे कुछ अलग नाम से पुकारा जाता है। लेकिन नाम भले ही अलग अलग हों, पर भाव तो हमेशा एक ही होता है कि एक ही रंग में पूरी दुनिया को रंग जाना है। अगर हम अपने पड़ोसी कट्टर मुस्लिम देश पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में भी होली का रंग सर चढ़कर बोलता है। पाकिस्तान भले ही 1947 में भारत से अलग हो गया था, लेकिन वहाँ पर अब भी लोग भारतीय त्योहारों से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और मुसलमान भी होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पाकिस्तान में भारत की तरह ही होली के नाम से इस रंगों के त्योहार को मनाया जाता है। नाम के अलावा वहाँ पर होली मनाने का ढंग भारत से बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान में होली के दिन पुरुष लोग एक मटके को तोड़ने के लिए पिरामिड का निर्माण करते हैं, जबकि जो लोग इस पिरामिड में शामिल नहीं होते, वे इन्हें रोकने के लिए इनके ऊपर पानी, मक्खन, दूध और कई अन्य तरल पदार्थ फेंकते हैं। लोग इस परंपरा को भगवान कृष्ण को माखन चोरी करने से रोकने की प्रथा से जोड़ते हैं। दोस्तों, है ना ये मजेदार कहानी। आइए अब जानते हैं गुयाना की होली के बारे में। गुयाना के लोग होली को अपना महत्वपूर्ण त्योहार मानते हैं। यह होली को फगवा नाम से मनाया जाता है। गुयाना में होली को इतना महत्व है कि भारत की तरह यहाँ भी होली के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। गुयाना में मुख्य उत्सव प्रसाद नगर के मंदिर में आयोजित किया जाता है, जहां लोग रंग और पानी के साथ होली खेलने के लिए इकट्ठे होकर इस विशेष दिन का आनंद उठाते हैं। अगर हम बात फिजी की करें, तो फिजी में भारत की तरह होली के नाम से ही इस त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन उनके होली मनाने का ढंग कुछ अलग है। भारतीय मूल के निवासी होली को लोक गीत, लोक नृत्य और रंगों के त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस दौरान फिजी में गाए जाने वाले लोक गीत को फाग गायन कहा जाता है। फिजी में इस त्योहार पर गाए जाने वाले गीत भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्यार और संबंधों पर आधारित होते हैं। दोस्तों, अगर बात नेपाल की जाए, तो नेपाल में भी होली का उतना ही महत्व है जितना कि भारत में। नेपाली भाषा में होली को वहाँ फागु पुन्ही के नाम से मनाया जाता है। नेपाल में लगभग
80% आबादी हिंदू लोगों की है। सारी नेपाल में होली को फाल्गुन पूर्णिमा भी कहा जाता है। जैसा कि भारत के अलग अलग राज्यों में होली मनाने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक उसी तरह नेपाल में भी विभिन्न तरीकों से होली का त्योहार मनाया जाता है। नेपाली होली के अवसर पर पानी से भरे गुब्बारे भी एक दूसरे पर फेंकते हैं, जो होली की एक बहुत ही प्रसिद्ध परंपरा है और यहाँ इसे लोला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब बात दुबई की करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक दुबई में भी होली खेली जा रही है। दुबई के वंडरलैंड पार्क और अल गढ़ौद में जमकर होली के रंग बरस रहे हैं। हजारों लोगों के लिए ये दोनों जगह होली खेलने के लिए पसंदीदा स्थान है और यहाँ पहुँचे लोग होली की भावना को रंगों के भंवर से सराबोर होकर मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर किसी और धर्म के हो। अगर बात अमेरिका की करें तो अमेरिका में होली मनाने का लोगों का अपना एक अलग ही अंदाज है। वो 5 किलोमीटर की मैराथन में जाते हैं, जिसे कल्चर रन के नाम से जाना जाता है। वो प्राचीन सफेद कपड़े पहनते हैं ताकि उनके आसपास इकट्ठा लोग धावकों पर रंग फेंक सकें। आकर्षक संगीतों की धुनों के साथ रंग बिखेरते हैं। अमेरिका में भारी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, ये सभी को पता है। लिहाजा अमेरिका के कई शहरों में होली खेली जा रही है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका अभी तक का एक बड़ी एनआरआई आबादी वाला दूसरा देश है। यहाँ भी अलाव होली गीत रंग युद्ध होली की भावना से जीवित रखते हैं। गुजराती समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है जो इस समय को अपनी पसंद के अनुसार मनाने के लिए चुनता है। दक्षिण अफ्रीका में भी होली काफी धूमधाम से मनाई जाती है और यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोग इस बात का एहसास तक नहीं हो पाता कि वो अपने देश में नहीं है। अगर बात स्पेन की करें तो स्पेन के लोग जो पार्टी प्रेमी होते हैं वो काफी आत्मविश्वास के साथ होली खेलते हैं। गुलाल का भार, पानी की बौछारों के साथ डांस, आनंद और मस्ती के रंगों में रंग जाते हैं। होली में पार्टियों में उपस्थित लोगों के जोश को देखते ही बनता है। होली का त्योहार धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैलता जा रहा है। इसी तरह अन्य जातीय लोग भी होली के त्योहार को समझने लगे हैं। दोस्तों आजकल सनातन धर्म के त्योहार पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। ये तो होली है। दीपावली के त्योहार पे आपने देखा था कि किस तरीके से पूरी दुनिया दीपक के रोशनी में समा गई थी और ये हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। तो दोस्तों आप सभी को फेस्टिवल्स ही इतने कमाल के हैं कि भाई सेलिब्रेट करने को दिल करता है। मैं बात करूंगा पाकिस्तान के अंदर थोड़ी हिंदू है माना है, लेकिन वो भी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ के मुल्ले कहते हैं हिंदुओं की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम जितना रोकोगे ना उतना फैलेगा। इधर आप पाकिस्तान में कितने हिंदू अंदर अंदर से बन चुके हैं, एक्स मुस्लिम बन चुके हैं साले। ये इनके ये जो मुले यार मैं कहता हूँ कि इनकी बातों की वजह से ना इधर पाकिस्तान में भी अब लोग एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं। भाई वजह इनको होली मिलाने में क्या तकलीफ महसूस होती है? इनकी जलती है कि भाई लोग मुसलमान से भाई हिंदू धर्म की तरफ ना आ जाए। वैसे भी तो हम कन्वर्टेड है, हम तो हैं कन्वर्टेड यार। वो किसी को खुशियों में शरीक होना को गुनाह थोड़ा है। उनकी खुशियां किसी खुशियों में शरीक हो तो ऊपर वाला भगवान खुश होता है बाबा, लेकिन मुल्ले तो नहीं होते ना। उनकी तो जलती है ना। देखो यूएई में इस्लामी मुल्क के सबसे बड़ा उधर मनाया जा रहा है भाई, लेकिन इन मुल्लों की जलती है। क्यों जलती है भाई? ये कहते हैं कि कहीं भाई हमारा फिर हम लोग मुसलमान फिर हिंदू ना हो जाए, क्योंकि पता है इनको कि मुसलमानों ने अगर सनातन धर्म के बारे में जाना तो ये सनातन धर्म के अंदर वापस चले जाएंगे। ये चीज ऐसे बोलते हैं हमारा दीन खतरे में आ गया, यूएई का तो खतरे में नहीं आता और मुल्कों का तो खतरे में नहीं आता। साउथ अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन देशों के अंदर होली की तैयारियां चल रही है। कल होली सेलिब्रेट होनी है। दुबई के अंदर तैयारियां इस टाइम चल रही हैं भाई। अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के अंदर देखो लोग तैयारियां वहां पर कर रहे हैं। फिजी में देख, फिजी में देख यार, दुनिया के हर कोने में यार। और भाई इंडिया के अंदर एक ऐसा ही माहौल अब बना हुआ होगा कि यार आप लोग बताना आप लोगों ने क्या क्या तैयारी फिलहाल कर ली है कल के लिए, क्योंकि भाई कल एक ऐसा माहौल होने वाला है भाई, कल रंगों में रंग जाएगा। तो यकीन करके तुम ठाक गया तुम, हम भी होते थे होली में लाजमी शरीक होते यार। दिल करता है, दिल करता है कि इनकी खुशी में बराबर की शरीक हो। सारी बात बारे मजबूरी है भाई, हम हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। तो मुल्ले इधर आ जाएंगे भाई फतवे लगाने। तो यही बात है ना, मेन बात ये इस्लामी मुल्क नहीं, उनको कुछ नहीं। जिधर इस्लाम फैला है वो जा रहे हैं, अरबी जा रहे हैं, सब लोगों की खुशियों में शरीक हो रहे हैं। फिर
तकलीफ किसी बात की। अरबियों को 10 सालों के बाद देखना वो हिंदुइज्म के अंदर ना है ना, तो मेरा नाम बदल दे। इधर पाकिस्तान की कट्टरपंथी है, ये मुल्ले जो है ना, मुल्ले जगता के हैं, तो ये चीज ऐसी होती है। वही ना, लेकिन वही बात है कि भाई सेलिब्रेशन मैं कहता हूँ इतनी ईद की नहीं होती दुनिया में। मैं कहता हूँ अंग्रेज कौन ईद पे निकलता है? नहीं निकलता कोई भी। मुझे बता, कोई एक बता दो कि भाई अमेरिका के अंदर अंग्रेज निकलते हो हमारी ईद सेलिब्रेशन। वो देख होली होली पे वो यूएसए में कैसे निकलते हैं। वही ना, वो भाई उन्होंने तो तैयारियां शुरू कर दी होली के लिए। ये होती है भाई सब त्यौहार सेलिब्रेट कर, बिल्कुल। हम कहते हैं हम मुसलमानों के त्यौहार ये है, तो वो क्या घंटा कोई सेलिब्रेट करने तो आता नहीं है। तो यार आपके क्या थॉट है इन सब तैयारियों पर? आपकी तैयारी कैसी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं।